पांचवां अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहां रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी पांच वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें? इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने
अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार सात दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधकारी बारहों स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ।
उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है, रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहां तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहां सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा।
इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।